लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उत्तर प्रदेश की दो सीटों यानी कि मथुरा और सीतापुर पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मथुरा सीट पर मुकेश धनगढ़ को टिकट दिया है। मेरा नाम बहुत काफी दिनों से चल रहा था। मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, मरते दम तक भगत सिंह का चेला हूँ, अनुयाय हूँ, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा और भ्रष्टाचार, तमाम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, युवाओं के साथ, गरीबियों के साथ, व्यापारियों के साथ, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी आवाज को दबाने का काम कर रही है सड़क से लेकर संसद तक। वहीं सीतापुर में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए राकेश राठौर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मथुरा से पहले बॉक्सर विजेंद्र को उम्मीदवार बनाने की संभावना थी, लेकिन बुधवार यानी कि 3 अप्रैल को ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं सीतापुर में कांग्रेस ने नकुल दुबे की जगह राकेश राठौर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी में कांग्रेस को अभी अमेठी, रायबरेली और प्रयागराज सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करना है। मथुरा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश धनगढ़ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे। हेमा मालिनी तीसरी बार मथुरा सीट से चुनाव लड़ेंगी। पिछले दो चुनावों में हेमा मालिनी ने मथुरा सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। ना ऐसा कुछ नहीं, हमारे ब्रजवासी सभी लोग बहुत ही खुश हैं मेरे काम से और मैं समय समय पर उनका जो जो प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व करती हूँ। अभी जो बड़ा बड़ा मुद्दा है उसको मुझे करना है। मैंने पहले 5 साल में नाला, कड़ंजा और लाइट, पानी, इन पे कॉन्सेंट्रेट किया। उसके बाद मैंने बड़े बड़े काम किया है मथुरा के लिए। अभी उससे भी बड़ा काम कर रही हूँ। बहुत सारे करोड़ों का लागत में हम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूँ, वो सब अभी शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर का सीतापुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजेश वर्मा से मुकाबला होगा। राजेश वर्मा पिछले दो चुनावों यानी कि 2014 और 19 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं फिर एक बार बीजेपी ने राजेश वर्मा पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर कांग्रेस सपा को समर्थन करेगी। कांग्रेस ने साल 2019 में अकेले चुनाव लड़ा और यूपी की एक सीट रायबरेली पर ही पार्टी को जीत मिली थी। वहीं इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार का चयन नहीं कर पा रही है।